बहुत ही मज़ा आ रहा है, अकेला अकेला लग रहा है, कोई पब्लिक नहीं है, लेकिन ठीक है यार, ऐसा भी मतलब ऐसे भी जर्नी है। तो दोस्तों अभी हम अहमदाबाद आ गए थे और दो दिन का रेस्ट लेने के बाद अभी हम निकल चुके हैं केवड़िया के लिए, और केवड़िया जाके हम देखने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो लेट्स जस्ट रीच टू कालूपुर रेलवे स्टेशन एंड वहाँ पे जाके हम आपको मिलते और दिखाते एक स्पेशल एक्सपीरियंस। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड शुभ सवार। अभी आज हम कुछ अलग टाइप की जर्नी करने वाले हैं, और वो जो जर्नी है वो है इस ट्रेन के अंदर। ये जो ट्रेन है वो है जन शताब्दी एक्सप्रेस फ्रॉम अहमदाबाद टू केवड़िया, और अहमदाबाद टू केवड़िया की जो जर्नी है वो हम करने वाले हैं इस ट्रेन के अंदर, और वो भी एक स्पेशल कोच में, जो विस्टाडोम कोच है वो है। उसकी जो पूरी जो प्रोसेस है, कैसे बुक करते हैं, क्या है क्या नहीं, वो पूरी आपको प्रोसेस में बता दो। सबसे पहले हम जगह को ग्रैब करेंगे और फिर उसके बाद बात करते आप लोगों से। लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है आज बहुत ज़बरदस्त वाला जो फन है वो होने वाला है। ये है ट्रेन फ्रॉम अहमदाबाद टू केवड़िया और जन शताब्दी एक्सप्रेस, और ये ट्रेन का नंबर है 1958। और हम अभी जाने वाले हैं विस्टाडोम कोच के अंदर। तो दोस्तों ये जो ट्रेन है वो चलती है डेली बेसिस पे, और इसके जो टाइमिंग है और वो जो स्केड्यूल है वो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली रख देता हूँ, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्त बहुत टाइम के बाद, मतलब लाइक कोविड के बाद तो मैंने ट्रेन की जर्नी ही नहीं की थी, अभी कोविड के बाद पहली बार जर्नी करने जा रहा हूँ इन अ ट्रेन। और अभी उसमें हमें हमारा जो कोच है वो ढूंढना पड़ेगा, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैच्यू है, और वहाँ पे जाके सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। आप पूछ रहे होगे कि निशान आपका गैंग कहाँ पे है, तो हमारा जो गैंग है वो कार लेकर आ रहा है, हम अभी ट्रेन में जा रहे हैं स्पेशली आपको दिखाने के लिए कि यहाँ से ट्रेन का जो फेयर है वो कैसा है और किस तरीके का है, पूरी बुकिंग प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो बेसब्री से इंतज़ार करिए और चलिए मेरे साथ ट्रैवल करिए टू केवड़िया फ्रॉम अहमदाबाद। तो ये जो ट्रेन है उसके टोटल 5 टाइप ऑफ कोचेस है। पहला जो है वो है चेयर कार, जो नॉन एसी है। उसके बाद है एसी चेयर कार, जो ऑब्वियसली एसी चेयर कार है। और उसके बाद है एग्जीक्यूटिव क्लास, गुड मॉर्निंग। उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्लास है, जिसके अंदर आपको कुछ और सहूलियत मिल जाती है। और उसके बाद आता है अनुभूति क्लास, जो विस्टाडोम के नाम से जाना जाता है, और वही विस्टाडोम कोच जो है वो इंडियन रेलवे की नई पहचान है। सो दोस्तों फाइनली जो हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं विस्टाडोम कोच के नज़दीक, और
ये जो विस्टाडम कोच है वो क्या है उसकी पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एक यूरोपियन स्टाइल सिस्टम है, या तो आप बोल सकते हो कि एक ऐसा स्टाइल है कि जहाँ पे जो विंडो के जो साइज़ है वो बहुत ही बड़े रहते हैं, उसके साथ साथ जो ऊपर का जो रूफ़ है वो उसमें भी ग्लास का यूज़ किया जाता है, ग्लास के डोर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी तरीके से उसको देख पाओ, व्यूज़ का जो नज़ारा है वो ले पाओ। और उसके बाद जो चेयर होती है वो चेयर जो होती है वो रिवॉल्विंग होती है 180 डिग्रीज टू, तो ये सब जो है वो सब स्पेशल फीचर्स रहते हैं। अभी ये जो विस्टाडोम कोच है उसमें जो सीटिंग का जो अरेंजमेंट है, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम 180 डिग्री पे मूव कर सकते हैं, तो जैसे कि अभी ये पूरा विंडो यहाँ पे है आप देख सकते हो, और वो विंडो के बाहर का जो नज़ारा है वो मेरे को देखना है, और वो देखने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से इस जो सीट है इसको मैं रिक्लाइन कर दूँगा, और सीट को रिक्लाइन करने के बाद ये सीट पूरी की पूरी 180 डिग्री पे ऐसे मूव हो जाएगी, और मैं यहाँ पे बैठ के जो नज़ारे हैं वो देख सकता हूँ, जो बाहर का व्यू है उसको एंजॉय कर सकता हूँ, और बस साथ में चाय कॉफ़ी का आनंद लेके पूरे व्यू को मैं देखते देखते स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जा सकता हूँ। तो ये वाला चीज़ है, और यहाँ पे आपको प्लस जो मिलने वाला है वो है ये आप प्लेन में ही देखते होंगे जनरली, बट ये आपको अभी यहाँ पे मिलता है। ये है ट्रे टेबल, जहाँ पे आपको पूरी जो सर्विस है वो मिलती है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप खाना बना अगर लेकर आए हो तो आप खाना बना खा सकते हो, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, चाय पी सकते हो, आपको जो मन करे वो कर सकते हो, लेकिन जो ये मज़ा आएगा आपको पूरा व्यू देखने का वो बहुत अमेजिंग रहने वाला है। यूरोपियन रेलवे है उसका एक और नज़ारा ये भी है कि जहाँ पे आपको ये जो ऊपर का जो सीलिंग है वो पूरा ग्लास वाला देखने मिलेगा।
पैसेंजर को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए ये फैसिलिटी हमें दी जाती है उसका मिसयूज ना करें। ये हम आ चुके हैं डबई, डबई जंक्शन पे, और वहाँ पे अभी ट्रेन ने थोड़ा स्टॉप लिया है। स्टॉप लेके यहाँ पे एक्चुअली में गार्ड और वो चेंज होने वाले हैं, तो गार्ड और वो लोग चेंज हो गए और फिर हम बाकी की जर्नी जो है वो शुरू करेंगे। बट दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है, अकेला अकेला लग रहा है, कोई पब्लिक नहीं है, लेकिन ठीक है यार, ऐसा भी मतलब ऐसे भी जर्नी है जहाँ पे ट्रेन जर्नी है, जहाँ पे लग्जूरियस ट्रेन की जर्नी है। सो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं केवड़िया, और केवड़िया से अभी हमें ढूंढनी है हमारी गाड़ी।